गुड मॉर्निंग, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ। हमेशा याद रखें, सफलता सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये धैर्य और अनुशासन के साथ लगातार काम करना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका आज का राशिफल। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज के पंचांग पर। आज 22 जुलाई 2024 कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, सोमवार का दिन है। राहु काल आज 7:20 से लेकर 9:02 तक रहेगा। नक्षत्रों की बात की जाए तो आज श्रवण का योग है। वहीं चंद्रमा आज मकर राशि में संचार करेंगे। साथ ही आज सावन का पहला सोमवार भी है। इस महीने विधि विधान से अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो कई लोगों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। खासतौर पर कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये महीना काफ़ी शुभ फल देने वाला होगा। तो चलिए देर किस बात की, जानते हैं आज भगवान भोलेनाथ की कृपा किन राशियों पर पड़ने वाली है। सबसे पहले बात मेष राशि की। दिन भगवान शिव की पूजा से शुरुआत करें। सावन का पहला दिन आपके लिए शुभ रहेगा। बिजनेस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आपके लिए आज का समय बहुत बेहतर है। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपको अपने विरोधियों को पहचानने की भी हालांकि ज़रूरत है ताकि वो आपके काम को खराब ना कर सकें। आज कार्यक्षेत्र में आपके काम करने की गति भी बढ़ेगी। बस आज आपको एक बात का ख्याल रखना है कि वाहन चलाते वक्त आप सावधान रहें। वृषभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बस अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आप अपनी आय को बढ़ाने के प्रयास पर जोर देने की आपको थोड़ी सी ज़रूरत है। कोशिश करते रहें, सफलता मिलेगी। बस उधार लेन देन करने से आज आप सावधान रहिए। साथ ही निवेश और भविष्य की योजनाओं को भी गुप्त रखें। आज आपकी दी हुई सलाह किसी के काफ़ी काम आ सकती है। माँ पार्वती की पूजा करना आज आपके लिए शुभ रहेगा। दफ्तर और व्यवसाय में दिन ठीक ठाक रहने वाला है। मिथुन राशि के लोगों की बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज लंबे अरसे के मद्देनज़र अगर आप कोई निवेश करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो वो आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला होगा। दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। भगवान शिव की कृपा से आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। हालांकि कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता के कारण आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस कर सकते हैं, मगर नेगेटिव विचारों से अगर दूर रहेंगे तो सब आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। कर्क राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो सावन का पहला दिन आपके लिए भी बेहद खास रहने वाला है। कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। हालांकि बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव का सामना आज करना पड़ेगा। किसी वाद विवाद में आज ना पड़े, अपनी वाणी पर भी संयम रखें। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। व्यवसायियों के लिए भी अच्छा दिन है। दफ्तर में कामकाज हालांकि सामान्य रहने की संभावना है। सिंह राशि के लोगों के बारे में बात करें तो देखिए, आज आपको तनाव थोड़ा सा हो सकता है जिसके कारण सिर दर्द, थकान इत्यादि समस्याओं से आप जूझ सकते हैं। युवा जातकों को परीक्षा में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मगर अगर आप धैर्य के साथ काम लेंगे तो सब अच्छे तरीके से निपट जाएगा। दिन भर भले ही आप धन को लेकर जूझते रहें लेकिन शाम के वक्त आपको आर्थिक मुनाफा होने की संभावना है। किसी नए काम के आगाज के लिए आपको पहले उसके बारे में अनुभव भी लोगों से बात कर लेना बहुत जरूरी है। दफ्तर में आज आपको अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। कुल मिलाकर अगर सिंह राशि के लोगों की बात करें तो उनके लिए सावन का ये महीना शुभ फलदायक ही रहने वाला है। कन्या राशि के लोगों के बारे में बात करें तो अपना तनाव दूर करने के लिए परिवार वालों की मदद लें। अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं और ना ही किसी से छिपाएं। अपने जज्बात दूसरों के साथ साझा करने से आपको फायदा मिलेगा। दिन भगवान शिव को समर्पित रहने वाला है। सावन का पहला दिन आपके लिए भी शुभ रहेगा। आज की गई व्यापारिक यात्रा सुखद रहेगी। सामाजिक कार्यों में आप अपनी भागीदारी दर्ज करवा सकते हैं। बस आज आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। दफ्तर में सब बेहतर होने वाला है। सहकर्मियों का सहयोग भी आज आपको हर कदम पर मिलेगा।
तुला राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज का दिन बिजनेस में उन्नति करने वाला होगा। अचानक से आपकी अटकी योजनाएं पूरी हो सकती हैं। आज बस खुद पर विश्वास रखकर आपको आगे बढ़ना है। हर किसी को अपने मन की बात ना बताएं। आज किसी पुराने निवेश से आपको अच्छा खासा मुनाफा होने की भी संभावना है। दफ्तर से लेकर व्यापार तक आज हर चीज आपके पक्ष में झुकी हुई नजर आएगी। सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव की खूब कृपा आप पर बरसने वाली है। संभव हो तो आज भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर ही अपने काम की शुरुआत करें। वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में बात करें तो देखिए, भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए अपना मानसिक जो आपका तनाव है उसे आपको दूर रखना होगा। दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें तो सब बेहतर होगा। जिन लोगों ने अपना पैसा सट्टेबाजी में लगा रखा था आज उन्हें नुकसान होने की संभावना है। सट्टेबाजी से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होने से आपको सुख की अनुभूति होगी। व्यापारिक लाभ होने की भी संभावना है। आज बस अपने लिए अगर आप खाली समय निकालते हैं तो कोशिश जरूर करें कि आप अपने भविष्य के बारे में कोई योजना बनाएं। हालांकि दोस्तों के साथ अगर आप घूमना फिरना पसंद करते हैं तो आज आप बाहर जा सकते हैं। यह आपके दिन को और ज्यादा बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। धनु राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो सावन का पहला दिन आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं। पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्वक बना रहेगा। बस आज किसी से तलखी से बात ना करें, वाणी पर संयम रखें। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो उसे बढ़ाने के लिए अभी आपको थोड़ी सी और मेहनत और थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। बाहर घूमने फिरने में आज आपका काफी धन खर्च हो सकता है। कार्यालय में हालांकि सब कुछ आपके पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर दिन आपके लिए ठीक रहेगा। मकर राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। धन से जुड़ा कोई मसला आज आपका हल हो सकता है। आपको धन लाभ होने की संभावना बन रही है। दूसरे देशों में जो लोग व्यवसाय करते हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत बेहतर है। आज के दिन अधिकांश लोगों की अगर हम बात करें इस राशि के जातकों की तो खरीदारी में उनका समय व्यतीत हो सकता है। जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा। आज बस मन में नकारात्मक विचार लाने से बचिए। हालांकि विरोधी आपके खिलाफ साजिश जरूर रच सकते हैं मगर आप उनसे अपनी बुद्धिमत्ता के जरिए जो है तमाम बाधाओं को पार कर पाने में भी सक्षम होंगे। कुंभ राशि के लोगों के बारे में बात की जाए तो आज आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। बिगड़े हुए काम बनने के योग हैं जिससे आप में नई ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि आज किसी भी तरह की साझेदारी में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है मगर आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं अपनी सूझबूझ के जरिए। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां एक अच्छा मौका साबित होंगी और यह आपके व्यवसाय में भी आगे मददगार साबित होगी। अलग अलग नजरिए के चलते हो सकता है कि आज आप में और आपके जीवन साथी के बीच वाद विवाद हो जाए। ऐसे में आपको धैर्य बनाए रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, कोई ऐसे शब्द ना कहें जिससे कि दूसरे व्यक्ति को बुरा लग जाए। मीन राशि के लोगों के बारे में बात करें तो देखिए, आज का दिन अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप दिन भर ऊर्जा से लबरेज भी रहेंगे और ये भी संभव है कि आज आपको अनदेखा मुनाफा हो सकता है। सभी कामों में गति आएगी। रुका हुआ पैसा आज आपको मिलने के पूरे आसार हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा मीन राशि के लोगों पर खूब बरसने वाली है। इसी के साथ आज की बात करें तो बस आज आपको बेवजह की बातों को लेकर ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। वैवाहिक जीवन में भी शुभ फल की प्राप्ति होने की संभावना है। इसके साथ ही दफ्तर और व्यवसाय जो है वो भी आपका अच्छी गति से आगे बढ़ेगा। बस आपके शत्रु आपके खिलाफ इस दौरान कुछ साजिश रच सकते हैं लेकिन वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि इस महीने आप पर भगवान भोलेनाथ की खास कृपा बरस रही है।
तो ये था आज का राशिफल। कार्यक्रम के अंत में एक सीख। हर सुबह हमारे पास दो चुनाव होते हैं, पहला अपने सपनों के साथ सोते रहें, दूसरा उठें और उन सपनों के पीछे भागें। अब चुनाव आपको करना है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। आशा करते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।